हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 12 कंपनी फाइनल अकाउंट जिसमें एग्जांपल 10 देखते हैं। फॉलोइंग बैलेंस आर एक्सीड फ्रॉम बुक्स ऑफ स्टार लिमिटेड, प्रिपेयर बैलेंस शीट अस पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अस एक्ट 31-3-2017। बराबर, यहाँ टोटल बैलेंस शीट आगे जो हमने सम दिए देखे थे जिसमें एसेट्स ओनली थी या तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज थी। बराबर, यहां टोटल बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करनी है। यहां इक्विटी एंड लायबिलिटीज बनाया हुआ है, देन यहां एसेट्स भी बनाया हुआ है। बराबर, ये पूरा फॉर्मेट जो आगे दिया था सेम वैसे ही लिख देना है यहां कंप्लीट। ओके, उसके बाद जो भी एंट्री जिसमें आती है उसके हिसाब से यहां लिख के और अमाउंट बाहर लिखनी है। ओके, देन अकर्ड कमीशन 20,000। कमीशन हमारी क्या होती है? अदर करंट एसेट्स होती है। बराबर, यहाँ 20,000 उसकी अमाउंट लिख देनी। देन लैंड एंड बिल्डिंग टेंजेबल एसेट्स, बराबर, तो यहाँ लिख देने 10,000। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ फर्स्ट शेयर कैपिटल में लिखना है। बराबर, 10 लाख रुपीस। उसके बाद बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जिसमें 45,000। देन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हमारे सरप्लस एंड रिजर्व होती है, तो रिजर्व में लिखना है सेकंड नंबर में, सेकंड नंबर में रिजर्व एंड सरप्लस। देन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंटरी में लिखेंगे, यहाँ करंट एसेट्स में इन्वेंटरी में क्लोजिंग स्टॉक ऐसे ब्रैकेट में लिख के अमाउंट लिखनी है 1,80,000। देन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे ट्रेड पेबल जिसके ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ क्रेडिटर्स, उसकी अमाउंट लिखेंगे 4 लाख रुपीस। देन डेप्टर्स, डेप्टर्स ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रेड डेप्टर्स 2,30,000। 10% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लिएगा क्योंकि ये इंटरेस्ट पे लेते हैं। बराबर, ये हमारी क्या हुई जो इंटरेस्ट पे ली हुई अमाउंट ही है 1,30,000। कोई परसेंटेज ऐसा कुछ गिनने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमें अमाउंट ही यहाँ लिखनी है। डिबेंचर रिडेप्शन फंड इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बराबर, 30,000 रुपीज वो यहाँ लिख देंगे। कस्टम डिपोजिट, डिपोजिट है यानी लॉन्ग टर्म लोन, लोन्स एंड एडवांस जिसमें लिखेंगे कस्टम डिपॉजिट 1,25,000। बराबर, उसके बाद ग्रेजुएटी फंड, ग्रेजुएटी फंड हमें एम्प्लॉयज को देना पड़ता है। बराबर, यानी ये लिखना है यहाँ ग्रेजुएटी फंड 20,000 रुपीज। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 60,000, ये टैक्सेशन यहाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिखना है, प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके, ये सब अमाउंट हमने लिख दी, यानी यहाँ ये दोनों का टोटल यहाँ बाहर लिखना है 10,20,000। उसके बाद ये तीनों का टोटल जिसमें बीच में अमाउंट नहीं दिए तो वो रहने देंगे, बाकी कितना लिखेंगे 1,50,000। देन उसके बाद ये तीनों चार अमाउंट दिए उसका टोटल करेंगे, पर यहाँ जो डैश किया वो लिखेंगे नहीं। बराबर, टोटल 4,60,000 और टोटल मिला के यहाँ टोटल हमारी लाइबिलिटीज कितनी हुई 16,30,000। उतनी ही एसेट्स आनी चाहिए। ओके, देन नॉन करंट एसेट्स का टोटल 11,55,000, उसके बाद करंट एसेट्स का टोटल 4,75,000 और दोनों मिला के कितना होता है 16,30,000। ये दोनों सेम आ जाए यानी हमारा आंसर सही है। ओके, ये था बैलेंस शीट बना कैसे बनाते हैं उसके हिसाब से। बराबर, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो टेबल हमने आपको समझाया था वही यहाँ हमें लिखना है कि उसका हेड्स कौन सा है। कोई अमाउंट आप दी है तो उसकी हेड्स कौन से हेड्स के नीचे लिखना है, तो उसके हिसाब से यहाँ हमें लिखना है इलस्ट्रेशन 11, अंडर विच हेड्स विल यू शो फॉलोइंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अस पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। सेल्स, सेल्स किस में लिखेंगे? यहां देखो ये जो हेड हमने आगे बताए थे। बराबर, सेल्स किस में लिखे? रेवेन्यू फॉर द
ऑपरेशन, बराबर। तो यहाँ लिखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बराबर। उसके बाद सैलरी, सैलरी एम्प्लॉय को दे दे, बराबर। यानी कहाँ लिखेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, बराबर। सिक्स नंबर के जो दिया हुआ है तो वही लिखना है, यहाँ किसके हेड्स के नीचे आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीवेबल, बराबर, रिसीव्ड। यानी हमारी क्या हुई, इनकम हुई, तो इनकम में क्या, अदर इनकम में लिखना है, बराबर। तो यहाँ देखो अदर इनकम में लिखा है भाई, इनकम फ्रॉम द स्क्रैप, स्क्रैप से हमें पैसा मिला हुआ है, तो पैसा मिलता है तो यहाँ लिखेंगे अदर इनकम में। देन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमारा लॉस होता है, तो एट नंबर में यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन एंड वो उसमें लिखना है एमोर्टाइजेशन, बराबर। तो उसमें यहाँ डेप्रिसिएशन की अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद टेलीग्राम एंड पोस्टेज, टेलीग्राम एंड पोस्टेज अदर एक्सपेंस में आएगा, लास्ट में जो दिया है नाइन नंबर का वो हमें अदर एक्सपेंस में लिखना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन वो हमें क्या है, पैसे मिले हुए, पहले उस पर दिए हुए लोन पे पैसे दिए हुए, यानी फाइनेंस कॉस्ट में लिखेंगे, बराबर। यहाँ देखो फाइनेंस कॉस्ट में जो भी इंटरेस्ट से पैसे दिए उसके हिसाब से लिखना है। देन बोनस, बोनस हमें एम्प्लॉय को देते हैं, यानी एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस। बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस में जाएगा। उसके बाद सेल्स एक्सपेंस, तो सेल्स एक्सपेंस भी अदर एक्सपेंस में जाएगा, बराबर। ये दोनों जो सम्स किए उसके हिसाब से यहाँ एक्सरसाइज में सिक्स नंबर का सम एंड सेवन नंबर का सम वो आपको होमवर्क में करना है, ओके।